नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल की वर्षा किए जाने की खबर आ रही है। रूसी हमले से खार्किव में 11 लोगों की मौत हुई है और हमले में जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूसी हमले से बड़ी संख्या में इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी हमले में 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की और साथ ही साथ खबर ये कि रूसी हमले में बड़ी संख्या में कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इधर रूस के राष्ट्रपति को लेकर बड़ी जानकारी ये है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक यात्रा से लंदन से वॉशिंगटन तक विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है। यूरोप के सभी देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्टिंग मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। वजह है रूसी राष्ट्रपति की कैलिनग्राद न्यूक्लियर बेस की यात्रा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन का खेमा यानी रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया विश्व युद्ध की तैयारी कर चुका है। पुतिन के निशाने पर पूरा यूरोप आ चुका है। देखिए क्या है पुतिन का राज्यादेश और कैसे रूस विश्व युद्ध काल में प्रवेश कर सकता है। यूक्रेन विजय का पहला अध्याय अब पुतिन के सबसे बड़े लक्ष्य में बदल चुका है। और ये लक्ष्य है पूरे यूरोप पर रूसी साम्राज्य की स्थापना करना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। 15 दिन के भीतर पुतिन ने दो ऐसे दौरे किए हैं जो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काने का आधार बन सकते हैं। दस जनवरी को पुतिन ने रूस के पूर्वी छोर पर चुकोत्का का दौरा किया। अलास्का के नजदीक रूस का ये क्षेत्र न्यूक्लियर बेस भी है। अमेरिका के नजदीक वाले क्षेत्र का दौरा करने के 15 दिन के भीतर ही पुतिन 25 जनवरी को रूस के पश्चिमी क्षेत्र कैलिनग्राद पहुंच गए। यहां भी रूस का न्यूक्लियर बेस है। 6,500 किलोमीटर के इस यात्रा से पुतिन ने अमेरिका और यूरोप दोनों पर संकट के संकेत दे दिए हैं। विश्व मीडिया इस दौरे को तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना के तौर पर देख रहा है, क्योंकि पुतिन का कैलिनग्राद जाना सामान्य नहीं है। यूथ डे के मौके पर पुतिन ने मॉस्को से उड़ान भरी। नेटो सदस्य लात्विया और लिथुआनिया की वायु सीमा से होते हुए उनका फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाने वाला विमान कैलिनग्राद में उतरा। रूस का वो शहर जो 4 नेटो देशों के बीच एक अभेद्य किला कहा जाता है। कैलिनग्राद 4 नेटो देशों से सटा रूस का न्यूक्लियर बेस है। कैलिनग्राद में रूस की कैलिबर और इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। यहाँ 50 किलोटन वाले न्यूक्लियर बम भी रखे गए। 24 हाइपरसोनिक मिसाइलें वॉर रेडी रहती हैं। यही रूस की बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी है। पहले चुकोत्का और फिर कैलिनग्राद का दौरा विश्व युद्ध की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। इससे वॉशिंगटन तक सामरिक और इंटेलिजेंस हलचल तेज हो गई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने रूस की युद्धक तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। MI6 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तरफ से नेटो पर हमले के खतरे का अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि
बीते 100 घंटे से यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। माना जा रहा है कि पुतिन अब फुल स्केल वॉर छेड़ने का फैसला ले चुके हैं और पूरे यूरोप पर परमाणु चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और काला सागर, ये वो चार समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर से रूस की सबमरीन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी को टारगेट बनाने के लिए तैनात है। नॉर्वेजियन सागर में भी रूसी नॉर्थ सी फ्लीट के वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर रूस हाइपरसोनिक हमले कर सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस नेवी के वॉरशिप गश्त लगा रहे हैं। युद्ध छिड़ा तो यहां से रूस इटली के अहम शहरों पर हमला कर सकता है। काला सागर में रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट पहले से तैनात है। यहां से यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिका समर्थक देशों रोमानिया और हंगरी को निशाना बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के कैलिनिनग्राद दौरे को यूरोप विजय अभियान शुरू करने का अंतिम चरण माना जा रहा है। कैलिनिनग्राद रूस का वो न्यूक्लियर बेस है जिसे नेटो भी अभेद्य मानता है। सोवियत रूस ने 1945 में जर्मन सेना से कैलिनिनग्राद जीता था, तब इसका नाम कनिस्कबर्ग था। जीत के बाद इसका नाम बदलकर सोवियत रूस प्रमुख मिखाइल कैलिन के नाम पर कैलिनिनग्राद रखा गया। ये रूस की जीत का प्रतीक है और रूस में ही नहीं बल्कि एशिया तक पुतिन की जीत की युद्धक तैयारियों के संकेत दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री नॉर्थ कोरिया के दौरे पर है। रूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की। रूस का पूरा खेमा बड़ी जंग की तैयारी में है। इस जंग की आहट को देखते हुए अमेरिकन समाचार साइट पॉलिटिको ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि यूरोपियन यूनियन के पास आत्मरक्षा के लिए भी शक्ति नहीं बची है। अगर रूस से युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को सीधे जंग में उतरना होगा। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के नेता मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि आत्मरक्षा का उपाय परमाणु बम ही है। संगठन छोड़ चुके ब्रिटेन को ईयू की आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम देने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की पहली चिंता है रूस से जंग को टालना और आत्मरक्षा की तैयारी करना। इसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका ने यूरोप में जंगी तैयारी शुरू कर दी है। रूस के खतरे को देखते हुए जर्मनी में यूएस परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। अमेरिका और कतर से कई C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान जर्मनी पहुंचे हैं। इन विमानों को रूट बदलकर जर्मनी भेजा गया है। माना जा रहा है कि यूरोप में अब रूस अमेरिका की जंग निश्चित है और इसीलिए दोनों तरफ से परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। हमले से खार्किव में 11 लोगों की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। बहुत बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन की धरती पर पुतिन सेना का अब तक का सबसे बड़ा इंतकाम शुरू हो गया है। रूस के हमले से यूक्रेन के 13 इलाके बारूदी आग में जल रहे हैं। पुतिन का ये प्रतिशोध तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर रूस के विमान को तबाह कर दिया। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी विमान पर यह हमला अमेरिकी मिसाइल से हुआ।
और इसी के बाद से पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं बल्कि अब उन्होंने अमेरिका को भी सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन में प्रलय काल शुरू हो चुका है। यूक्रेन की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ रही है। पुतिन के प्रतिशोध से यूक्रेन के शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। यूक्रेन ने बेलग्रोद में रूसी ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 को जलाकर राख कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने उसके विमान पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया। इस बात से भड़की पुतिन पलटन का प्रतिशोध शुरू हो गया। रूस के विस्फोट से इस वक्त यूक्रेन की धरती पर त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली मिसाइल के जरिए ही उस पर अटैक किया था। विमान तबाह होने के बाद अब रूस ने भी अपना टारगेट बदल लिया है। दरअसल अब रूस यूक्रेन के उन बड़े हथियारों के गोदाम को टारगेट कर रहा है जो यूक्रेन के लिए मदद का काम कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने जल, थल और नभ से भीषण बमबारी की। डोनेस्क में विध्वंसक हमला कर यूक्रेन की 3 फ्रंट लाइन को समाप्त कर दिया। लीमन में रूस के सुखोई 25 एयरक्राफ्ट ने बारूद की बरसात की तो बड़ा इलाका कब्रिस्तान बन गया। रूसी सेना ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से इतना भीषण हमला किया कि विनित्सा की सूरत बिगड़ गई। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के 2 हथियार गोदामों को जलाकर राख कर दिया। लवीव में रूसी फौज ने यूक्रेनी पोजीशन पर हेलीकॉप्टर से वज्रपात किया। कुप्यांस्क में रूस के हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सेपोरिसिया में भी रूस ने विध्वंसक धावा बोला। यूक्रेन के 3 हथियार डिपो नष्ट हो गए। ओडेसा में रूसी सेना के टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में 13 जगहों पर विध्वंसक धावा बोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक 57 डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हथियार गोदामों को टारगेट किया गया। रूस ने ज्यादातर उन हथियार गोदामों पर बम बरसाए जहां अमेरिका और नेटो के हथियार रखे हुए हैं। रूस के हमले में न सिर्फ तमाम हथियार गोदामों को नुकसान पहुंचा है बल्कि बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। रूस के वज्रपात में यूक्रेनी सेना को 24 घंटे में बहुत बड़ी चोट पहुंची है। डोनेस्क में यूक्रेन के 310 सैनिक मारे गए हैं, 6 हथियार डिपो खत्म हो गए हैं, 2 एयर डिफेंस सिस्टम जल गए हैं। लीमन में यूक्रेन के 270 सैनिक ढेर हो गए हैं। रूस की बमबारी में उसके 11 हथियार डिपो भस्म हो गए हैं, 32 सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। कीव में यूक्रेन के 4 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और 3 हथियार गोदाम तहस नहस हो गए हैं। जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी री में भी रूस ने घातक अटैक किया। यहां यूक्रेन के 119 सैनिक, 5 हथियार डिपो और 13 आर्म्ड व्हीकल खत्म हो गए हैं। लवीव में यूक्रेन के 88 सैनिक मारे गए, 3 डिपो हथियार के जो थे और 4 टैंक डिपो जो थे वो तबाह हो गए हैं जलकर। तेनोपिल में यूक्रेन के 103 सैनिक, 2 हथियार डिपो और 11 सैन्य वाहन जल गए हैं। एक तरफ पुतिन सेना भीषण विस्फोट कर यूक्रेनी फोर्स को चोट पहुंचा रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो पर हमले की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुतिन अमेरिका को घेर रहे हैं। रूसी विमान पर हमले के लिए पुतिन अमेरिका को ही मास्टरमाइंड घोषित कर रहे हैं। अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ में दोषी करार करने की तैयारी है।
राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है जिसमें रूस अमेरिका के खिलाफ सबूत पेश करेगा। दरअसल यूएनएससी की ये बैठक रूस की अपील के बाद ही बुलाई गई थी। दरअसल कोशिश की जा रही है कि इस विमान हमले की जिम्मेदारी या इसका पूरा ठीकरा अमेरिका के सर पे फोड़ा जाए। रूस के विमान पर जब ये हमला हुआ तभी से पुतिन और उनकी टीम अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। यूएन में रूस के राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने कहा है कि रूसी विमान पर हमले का जो भी दोषी होगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि रूस के विमान पर हमले के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मिसाइलें दी, इसका परिणाम खतरनाक होगा। रूस के आक्रामक तेवरों के बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि पुतिन के इस गुस्से को, इस क्रोध को कम कैसे किया जाएगा। दरअसल पेंटागन ने ये कहा है कि इस हमले में, विमान हमले के अंदर अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, इसकी जांच अभी भी पेंटागन कर रहा है। पेंटागन ने क्रेमलिन से ये भी अपील की है कि जब तक अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है तब तक उसे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुतिन और उनकी सेना कार्रवाई ना करे ये संभव नहीं। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक एक्शन शुरू हो गया है। रूसी हमले से हथियारों और सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। लेकिन ज़ेलेंस्की सेना इस बात को जाहिर नहीं कर रही है। युद्ध में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेनी फोर्स अब भी ताकतवर है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 घंटे के अंदर रूस के 950 सैनिकों को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 61 आर्टिलरी, 200 ड्रोन और 30 टैंक को भी तबाह करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के ये आंकड़े, ये दावा कितना सही है ये तो वही जाने, लेकिन सच ये है कि रूसी सेना इस वक्त इतना भीषण हमला कर रही है जिससे यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। रूस की बमबारी इस बात की घोषणा कर रही है कि रूसी विमान पर हमला यूक्रेन के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि यूक्रेन के ब्रियांस बोच पर रूस का अटैक हुआ है। रूस ने MLRS से दागे हैं 40 रॉकेट। यूक्रेन के 17 जवानों की इस दौरान मौत की खबर भी आ रही है जिसका दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। अब रूस से मुकाबला करने के लिए उसके पास हथियार नहीं है, जबकि रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है जिससे यूरोप के देशों की घबराहट बढ़ गई है। कहीं यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन किसी और देश पर हमला ना कर दे, इसलिए यूरोप के कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को तैयार हैं, जिससे यूरोप में बड़ा खतरा पैदा हो गया है क्योंकि रूस के निशाने पर वो तमाम देश आ गए हैं जो यूक्रेन को हथियार भेजने वाले हैं। पुतिन के लिए तबाही की कोई हद नहीं है। यूक्रेन जीत लिया, फिर किसी दूसरे देश की बारी है। और ये बात यूरोपीय देशों को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा कई और देश भी हैं। इसीलिए जहां एक तरफ यूक्रेन को हथियार देने से अमेरिका पीछे हट रहा है, वहीं कई यूरोपीय देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो उनका नंबर भी आ सकता है। इस साल की शुरुआत से ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जबकि बिना हथियार यूक्रेन पर हार का खतरा मंडराने लगा है।
अब यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की 18वीं मीटिंग में यह फैसला हुआ कि यूक्रेन को मदद जारी रखी जाएगी। यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप, इसे रेमस्टीन फॉर्मेट भी कहा जाता था और इसमें 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें नेटो के 31 सदस्य देश भी शामिल थे। युद्ध शुरू होने से अब तक करीबन इसकी 18 मीटिंगें हो चुकी हैं। इसकी पहली मीटिंग करीबन 2 साल पहले जर्मनी के एयरबेस पे की गई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक अमेरिका ये फैसला नहीं ले पाया है कि यूक्रेन को मदद दी जाए या नहीं। यूडीसीजी की 23 जनवरी की मीटिंग में फैसला हुआ, यूरोप के 10 देश मदद के लिए तैयार हैं, जिसमें से 7 देश तो तुरंत ही यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, जबकि अमेरिका 49,000 करोड़ की मदद करने से पीछे हट चुका है। यानी अमेरिका के उकसाने पर यूक्रेन युद्ध में फंस गया है। क्योंकि जो अमेरिका चाहता है नेटो में वही होता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने यूरोपीय देशों से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही वजह रही है कि ज़ेलेंस्की बार बार यूरोपीय देशों पर पुतिन के आक्रमण का खौफ दिखाते रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह तय कर लिया है कि युद्ध की आग में केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि अन्य यूरोपियन देशों को भी उतरना होगा। अब रूस ने भी अपने युद्ध का भंडार या उसकी प्रोडक्शन को 300 गुना बढ़ा दिया है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास हो गया है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं और आने वाले वक्त में यह और भयंकर रूप लेने वाला है। यानी यूक्रेन की आड़ में वो तमाम देश रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। उधर अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अगर उसने यूक्रेन को हाईटेक हथियार भेजे तो तकनीक की चोरी भी हो सकती है। यानी अमेरिका ने यूक्रेन से पीछा छुड़ाने के कई बहाने तैयार कर लिए हैं, जबकि सही बात यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी साख बचाने की जंग लड़ रहा है। उधर यूरोपियन यूनियन और नेटो में शामिल कई देश रूस से मुकाबले के लिए सहमत हो चुके हैं, अभी यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। आने वाले वक्त में सीधे सेना भी उतारी जा सकती है, जो सीधे तौर पर यूरोप में विश्व युद्ध का अलार्म माना जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले पुतिन कह चुके हैं कि उन्होंने बाल्टिक और आर्कटिक सागर में अपनी सबमरीन मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी है। यूरोप में खौफ है, यही वजह है यूक्रेन को हथियार भेजने पर 7 देश तैयार हो गए हैं। जर्मनी 20 जानकारी है कि आर्म्ड इन्फेंट्री व्हीकल, 15 गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन, 124 RQ-35 हीडन ड्रोन, 6 MK-41 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भेज रहा है। फ्रांस 1800 से ज्यादा हैमर गाइडेड बम, 40 स्केल्प क्रूज मिसाइल और 12 होविट्जर की सप्लाई करने जा रहा है, जबकि 78 होविट्जर पहले ही भेज चुका है वो। वहीं ब्रिटेन 2111 करोड़ के हथियार अगले 2 साल में भेजने वाला है, जिसमें स्टॉर्म शेडो क्रूज मिसाइल और रेपियर एयर डिफेंस सिस्टम की खेप भेजेगा वो। डेनमार्क 19 F-16 फाइटर जेट अगले 6 महीने में सप्लाई करेगा। नॉर्वे 2 F-16 फाइटर जेट तुरंत भेजने को तैयार है। नीदरलैंड्स भी 18 F-16 फाइटर जेट तुरंत भेजने की तैयारी में है। बेल्जियम की बात की जाए तो 550 करोड़ की मदद दे रहा है, जबकि अगले साल तक F-16 वो भेज रहा है। एस्टोनिया भी 714 करोड़ की सैन्य मदद करेगा, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एंटी टैंक माइंस वो भेजेगा। अभी 7 देश यूक्रेन को हथियारों की भारी भरकम खेप भेज रहे हैं। जिसमें अमेरिका के बनाए F-16 फाइटर जेट भी शामिल हैं।
सोचिए जब ड्रोन के जरिए ही यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में तबाही मचा दी, जब इतने विध्वंसक और हाईटेक हथियार मिल जाएंगे तो रूस में तबाही का दायरा कितना बढ़ जाएगा। सीएनएन की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि यूक्रेन में हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर रूस 10 फायर करता है तो यूक्रेन के पास जवाब देने के लिए एक ही फायर करने लायक बारूद है। ये बाखमुत से आया वीडियो है जिसमें M109 से रूस को डराने के लिए स्मोक फायर किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने हथियारों की कमी की बात पेंटागन को बताई, लेकिन पेंटागन की तरफ से भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला। पेंटागन ने कहा, हमें भी ऐसी रिपोर्ट मिली है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन के स्टॉक वेपन्स खत्म हो रहे हैं, उन्हें हथियारों की जरूरत है। इसका फैसला अमेरिकी कांग्रेस को करना है, यानी अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई का फैसला करीब करीब टाल दिया है। इसके पीछे की वजह है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी और इसराइल को लगातार हथियार भेजना। पिछले साल बाइडेन ने $106 बिलियन के डिफेंस फंडिंग को इसराइल और यूक्रेन में बांटने का फैसला किया था। साथ ही इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में भी इसके इस्तेमाल की बात कही थी। इसके अलावा अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अमेरिका यूक्रेन पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहता। यही वजह है जब यूरोप के कई देश यूक्रेन को मदद देने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी तरफ रूस ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, साथ ही चीन और नॉर्थ कोरिया से भी उसे हथियार मिल रहे हैं। यानी यूक्रेन को जल्दी हथियार नहीं मिले तो रूस उसे खाक में मिला देगा। उसके बाद अगले टारगेट पर वार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हूती, कताब, हिजबुल्ला और कई प्रॉक्सी संगठन इस वक्त लाल सागर से यमन और इराक सीरिया तक अमेरिका के लिए चुनौती बन गए हैं। एक शक्तिशाली देश के सामने ये संगठन बेहद छोटे जरूर हैं, लेकिन इन संगठनों की जड़ें जहां तक फैली है उसे काटने के लिए अमेरिका को ईरान पर हमला करना पड़ सकता है। अरब में वॉर का दायरा कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रॉक्सी संगठन ईरान की शह पर अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान रूस की शह पर अमेरिका को ललकार रहा है। अगर सिलसिला जारी रहा तो यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस महायुद्ध का डर था वो सच होकर रहेगा। अमेरिका चंद फाइटर जेट, बम और मिसाइल से जिन दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश में है वो हर हमले के बाद रक्त बीज की तरह और शक्तिशाली और खतरनाक हो रहे हैं। अमेरिका जिन संगठनों को अपनी सैन्य ताकत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लगाकर भस्म करने की कोशिश में है वो इराक और सीरिया से अमेरिका के संपूर्ण सफाई की सौगंध खा चुके हैं। अब तक यमन में जितनी एयर स्ट्राइक हुई, इराक और सीरिया में जितने धमाके हुए उसे सिर्फ एक महायुद्ध की चिंगारी समझिए, क्योंकि अरब में जंग की जो बिसात बिछाई गई है ये तमाम प्रॉक्सी संगठन उसके बहुत छोटे मोहरे हैं। अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज आपको कुछ अहम किरदारों के बारे में बताते हैं। पहला है हूती, ये लाल सागर में कार्गो शिप और अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर रहा है। दूसरा है कताब हिजबुल्ला, ये संगठन इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इन दोनों संगठनों की ताकत के पीछे है ईरान। ईरान इन संगठनों को हथियार दे रहा है और ईरान के हौसले की वजह है रूस। रूस ने ईरान को हर मदद का भरोसा दिया है।
अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यमन और इराक में सिमटे चंद धमाकों की कहानी भविष्य में कितनी बड़ी हो सकती है। कैसे ड्रोन से हमले से भड़कने वाली चिंगारी दुनिया को परमाणु हथियारों से झुलसा सकती है, एक छोटा सा संगठन कैसे इस महासंग्राम की वजह बनेगा, ये आपको बताते हैं। अमेरिका क्या पूरी दुनिया भी इस आतंकी हमले और इसे अंजाम देने वाले इस चेहरे को कभी भूल नहीं सकती। हूती अब ऐसे ही किसी बड़े हमले की फिराक में है। हूती अमेरिका से बदला लेने के लिए उसी संगठन की शरण में पहुंच गया है जिसने अमेरिका में 9/11 जैसी घटना को अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक हूती के सीनियर नेताओं ने अलकायदा के नेताओं से मुलाकात की है। अमेरिका के खिलाफ हमला करने के लिए हूती ने मदद मांगी है। हूती अलकायदा की मदद से अमेरिका यूरोप में आत्मघाती हमले करना चाहता है। अलकायदा के पास बरसों से आत्मघाती दस्ता मौजूद है, लेकिन हूती के पास ना तो बहुत बड़ा नेटवर्क है और ना ही अपनी जान देकर धमाका करने वाले लोग। यही वजह है कि हूती ने अलकायदा से मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बैठकें यमन में हुई। पहली बैठक यमन की राजधानी सना में की गई। इसके बाद फिर एक बैठक हुदैदा में हुई। बैठक को बेहद गुप्त रखा गया था और इसमें अलकायदा के कई सदस्य मौजूद थे। हालांकि ये भी बहुत पहले ही साफ हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ नया आत्मघाती ब्रिगेड बनाने का प्लान सिर्फ हूती का नहीं है। ईरान इसमें तमाम संगठनों की मदद कर रहा है, इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। ये पहला सबूत देखिए। नवंबर 2023 में अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने इसराइल के लिए यह धमकी जारी की थी। इसमें इसराइल को मानव बम से दहलाने की धमकी दी गई थी। अब अगली तस्वीर देखिए। यह हिजबुल्ला ग्रुप के भर्ती का विज्ञापन है। इसमें लिखा है कि जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो मानव बम बनने के लिए ईरान के मशहद पहुंचे। तैयारी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही आत्मघाती दस्ता तैयार भी हो जाएगा। हिजबुल्ला ने इसे जिहाद का नाम दिया है और दुनिया भर के मुसलमान युवकों से मानव बम बनने की अपील की गई है। किसी भी ताकतवर देश या सेना के लिए कई बरसों से आतंकी गुटों का फिदायीन दस्ता बड़ी चुनौती रहा है। तब माना जा रहा था कि ये सब इसराइल को दहलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब साफ हो चुका है कि प्लानिंग अमेरिका और यूरोप तक को दहलाने की है। ईरान प्रॉक्सी संगठनों की मदद से अमेरिका को हर मोर्चे पर जख्म देने की कोशिश में है। कतैब हिजबुल्ला के कमांडर अबू अली अल अस्करी ने अमेरिका को धमकी दी है। कमांडर ने कहा है, अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इराक में एक भी सैनिक रहने तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। एक तरफ ईरान के इशारे पर प्रॉक्सी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस ईरान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। ईरान को युद्ध में हथियार से लेकर हर तरह की मदद के भरोसे के बाद अब नेटो के खिलाफ एक मजबूत टीम बनाने का भरोसा दिया गया है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख से मुलाकात की है। रूस ईरान पर चल रहे प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए टीम बनाने पर बात हुई है।
दोनों देशों ने सुरक्षा में मदद के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। एक तरफ लगातार इराक सीरिया के बेस पर हमले, तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी। ऐसे में प्रॉक्सी संगठनों का एक भी बड़ा हमला अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाने वाला होगा, और सुपर पावर का सब्र खत्म हुआ तो कई देश जंग की आग में झुलस उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। इजरायली सेना गाजा में लगातार बमों की बारिश कर रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। 85% लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। गाजा में एक बार फिर युद्ध विराम कराने के लिए अमेरिका और कई जो देश हैं उन पर दबाव है, जिसमें इसराइल भी है। स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को मनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसराइल हमले रोकने के पक्ष में नहीं है। गाजा में पिछले करीब 4 महीनों से सिर्फ बमों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। गाजा में हर तरफ तबाही के मंजर है। इजरायली सेना गाजा में हर जगह से हमास का नामो निशान मिटा देना चाहती है। IDF हमास के ठिकानों, हथियारों के गोदामों और अड्डों को भी हर जगह तबाह कर रही है। इसराइल ने पिछले 24 घंटों में भीषण बमबारी करके गाजा में हमास के हथियार बनाने वाले प्लांट को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में हमास के लगभग खात्मे का दावा कर रही है। अब दक्षिणी गाजा में भीषण जंग छिड़ी हुई है। खान यूनुस में भी इजरायली सेना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और खान यूनुस में मौजूद एक बिल्डिंग में घुसकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। खान यूनुस में इस बिल्डिंग में इजरायली सेना को हमास के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। IDF का दावा है कि उसने गाजा में हमास के तमाम ठिकानों को स्नाइपर फायरिंग, टैंकों से गोलाबारी और गाइडेड मिसाइलों से टारगेट करके खत्म कर दिया। दावे के मुताबिक खान यूनुस में सुरंगों से बाहर निकालने के बाद हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। खान यूनुस में भीषण जंग के बीच हमास ब्रिगेड भी तगड़ा पलटवार कर रही है। इस बीच हमास ने इजरायली सेना के एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। फिलिस्तीनी मीडिया में इसका फुटेज भी जारी किया गया। दावा किया गया कि हमास लड़ाकों ने इस हमले में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। गाजा में खौफनाक जंग का कहीं अंत नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध विराम के प्रयास हो रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के कई देश बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए मनाने में जुट गए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने गाजा के समाधान के लिए दो देश बनाने की वकालत की। कैमरून ने कहा कि हमास लड़ाकों को गाजा छोड़ना होगा। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश गाजा के समाधान के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका बड़ी तादाद में इसराइल को हथियार भेज रहा है। इन हथियारों में 25 F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट, 25 F-15EX मल्टी रोल फाइटर जेट, 12 H-64E गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा 15,000 JDAM किट भी शामिल है।
माना जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम इसराइल को फिलिस्तीन विवाद के स्थायी समाधान के लिए तैयार करने की कोशिश है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम करवाने के मकसद से ही अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने CIA चीफ विलियम बर्न्स को यूरोप भेजा है। जिस वक्त गाजा युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर है, उस वक्त ईरान में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ईरान में खामेनेई का दौर खत्म होने जा रहा है। ईरान को उसका नया सुप्रीम लीडर मिलने जा रहा है। सवाल ये कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, इससे ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या असर पड़ने वाला है। ये है अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। ईरान में खामेनेई का राज खत्म होने जा रहा है। पिचासी साल के खामेनेई की जगह नया सुप्रीम लीडर लेने वाला है। सबसे बड़े नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि नया सुप्रीम लीडर आने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर क्या असर पड़ेगा, ईरान की सैन्य शक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले उन संभावित चेहरों के बारे में जान लीजिए जो ईरान का सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे बड़ा नाम है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी। इस रेस में ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हैं। अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई भी सुप्रीम लीडर की दौड़ में हैं। इसके अलावा हसन खामेनेई, मोहसिन अराकी, अली रजा अराफी, ईरान के बड़े धार्मिक गुरु भी सुप्रीम लीडर के दावेदारों में हैं। हालांकि ईरान के सबसे बड़े नेता का ताज किसके सिर पर सजेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान का सुप्रीम लीडर वही बनेगा जो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को गति दे सके। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के चीफ के डेविड एल्ब्राइट के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास एक महीने में 6 एटमी हथियार बनाने की क्षमता है, जबकि 5 महीने में वो 12 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ईरान अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो सुपर पावर अमेरिका से भी मोर्चा ले सके। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर के चुनाव में भी परमाणु फैक्टर काम करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।